हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सिलू का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आप सिल को भिन्न का जोड़ सिखाएंगे। तो जितने भी टाइप के भिन्न के जोड़ बन रहे हैं उन सभी को आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको तीन प्रश्न दिखाई दे रहा है, तीनों क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है वो ऐसे भिन्न जिनके आपके हर बराबर होते हैं, ऐसे भी प्रश्न आपको सिखाए जाएंगे। और ऐसे भिन्न जिनके आपके हर बराबर ना हो तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी आपको बताया जाएगा। तीसरा आपका है मिश्र भिन्न का जोड़ है, अगर मिश्र भिन्न हो उनको कैसे जोड़ा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एक बार अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका देखिए पहला प्रश्न है, ऐसे भिन्न जिनके आपके हर बराबर हों इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं इसमें। यहाँ पर जो ऊपर जो लिखा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, क्या अंश। और जिन नीचे लिखा रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। उसी प्रकार से पांच को भी हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और छह को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अब आप सभी को मालूम चल गया होगा, ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। अब चलिए मैं इनको आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर 3/5 × 6/5 है, इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, भिन्न का क्या निचला वाला हर अगर बराबर हो तो अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर भिन्न का निचला वाला यानी हर जो होता है वह बराबर हो, जैसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ऊपर वाली चीज़ यानी अंश को हम क्या करते हैं, आसानी से जोड़ लेते हैं। तो 3 और 6 हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, बटे में जो आपका हर है उसे लिख लेंगे, 9/5 आ चुका है। अगर यह कटने लायक होता तो इसे हम और काटते, वरना यही हम छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ऐसे भिन्न जिनके हर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो अंश को हम आसानी से जोड़ते हैं, वही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा टाइप का प्रश्न करना सिखाता हूँ। अब ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न आपका क्या है, 6/3 × 4/5 है। यहाँ पर देखिए, आपके भिन्न का हर बराबर नहीं है, अगर हर बराबर होता तो हम अंश को आसानी से क्या करते, जोड़ लेते। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 5 है। तो ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, दूसरा है आपका एलसीएम विधि। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि बताते हैं। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि होती है, अगर संख्याएं छोटी दी रहती हैं तब हम इसका प्रयोग जब करते हैं तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, वरना अगर संख्याएं बड़ी हों तो एलसीएम विधि आप हमेशा लगाइएगा, वो सबसे ईजी बन जाएगा। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो 5 है इसका गुणा हमें ऊपर वाले 6 में करना पड़ेगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से और इस तरह से, इसको क्रॉस बोलते हैं ना, तो हम 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। इसको यहाँ पर लिखेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा हमें 4 में करना है तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो 3 है इसका गुणा 5 में कर लेना है, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप सिर्फ नीचे 15 लिख दीजिएगा। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वरना इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, 3 का गुणा करते 5 में, 3 × 5 कितना होता, 15 होता, तो यहाँ पर आप 15 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 में कर लीजिए, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए, ये भी 12/15 है और ये 30/15 है, हर आपका क्या है, बराबर है। तो जब आपका हर बराबर है तो अंश को आप आसानी से जोड़ लेंगे। तो 30 और 12 जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 42 हो जाएगा। नीचे क्या है, 15 है, तो आप यहाँ पर 42/ क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। अब ये देखिए, किसी भी संख्या से ये कटेगा तो ये देखिए 3 से कट जाएगा आसानी से। तो 3 से काटेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे इसको, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो 14/ कितना आया है, 5। अब ये देखिए, किसी से नहीं कटेगा तो 14/5 हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ और आप लोग सीख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको बड़े अच्छे से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर इस चीज़ को आप कर देते तो 30/15 और 12/15 आ चुका। यहाँ पर आप ऐसे चीज़ों को आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूरे बटे का चिन्ह लगाकर आप क्या करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझेगा। ये जो पूरा यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे,
जब हम तीन का गुणा पांच में किए थे तो एक ही बार आप गुणा कर सकते हैं, तीन का गुणा पांच में करेंगे तीन पचे पंद्रह, तो एक ही पंद्रह आप लिखेंगे और तीस और बारह को जोड़कर फिर अगर कटने लायक रहेगा तो आप काट देंगे, सेम चीज वही आएगा। इतनी बार सभी को समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए आपका जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि हो गया। अब इसी सवाल को मैं आपको एलसीएम विधि के द्वारा सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखिए एलसीएम विधि के द्वारा कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम विधि में क्या किया जाता है, जो हर है यानी तीन और पांच, इसका क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तीन और यहां पर लिखता हूं पांच, इस तरह से आपको लिखना होगा, फिर तीन और पांच का आपको क्या एलसीएम निकालना होगा। तो ये देखिए किस संख्या से कटेगा, तो ये दो से नहीं कटेगा, ये तीन से कटेगा, तो हम तीन यहाँ पर लिखेंगे, तीन से तीन में भाग देंगे, तीन एक के तीन हो जाएगा, और तीन से पांच नहीं कटेगा तो उसको हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पांच है तो हम पांच से भाग देंगे, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, पांच से इसमें करेंगे तो पांच एक के पांच हो जाएगा। आपको किस चीज की जरूरत होती है, जो यहाँ पर तीन और पांच आया है, तो आप क्या करोगे, इनका गुणा करते हो, इस तीन को लिखोगे, गुणे क्या करोगे, ये जो पांच है इसको लिखोगे, तो तीन पचे कितना होता है आपका, तीन का गुणा जब आप पांच में करोगे कितना होता है, पंद्रह होता है, यानी एलसीएम आपका कितना निकल कर आया है, पंद्रह आया हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई, जब आपका एलसीएम जो है, आपका जो एलसीएम है वो आपका पंद्रह आ चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका एलसीएम देखिए यहाँ पर 15 आया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम आपका कितना है, 15 है, कितना है 15। अब आप क्या करेंगे, इन सब चीजों को आप रफ मैं कर देता हूँ, अब यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। अब देखिए जब आपका एलसीएम 15 आ चुका है तो आप क्या करोगे, एक इस तरह से बटे का चिन्ह लाओगे और ये जो 15 है इसको यहाँ पर लिख देंगे क्या, 15। अब देखिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो तीन है यानी हर है इसका पहाड़ा पढ़िए तब तक जब तक ये 15 क्या नहीं आ जाता। तो आप पढ़ेंगे तीन पचे कितना होता है, 15 होता है, यानी तीन के तीन, तीन दूना छह, तीन करना हो तीन चौक बारह, तीन पचे 15, पांच बार में आ रहा है, तो जब तीन पचे 15 हो रहा है तो पांच इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो छह पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसको यहां पर लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह लाएंगे, ध्यान से समझिएगा आपको आसानी से समझ आएगा। अब यहां पर देखिए पांच है, अब पांच का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 15 नहीं आता, तो जब हम पांच का पहाड़ा पढ़ते हैं तो तीन बार में 15 आता है, पांच का पांच, पांच दूनी दस, पांच तिहाई 15, तो जो तीन आया है तीन बार में, तो इसका हम ऊपर गुणा करते हैं, गुणे तीन कर देंगे अंश में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम चार का गुणा तीन में करेंगे, चारते हैं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 30 और 12 को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, नीचे क्या है 15 है, तो यहाँ पर 42 बटे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले सवाल में भी यही चीज आया था 42 बटे 15, अब इसको हम काट के सरल कर लेंगे तो तीन से कट जाएगा, तो हमारा तीन से कटेगा, तीन एक के तीन, तीन चौक कितना हो जाता है 12 होता है, तीन से 15 काटेंगे, तीन पचे 15, तो 14/5 आया है, तो 14/5 आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या इसको एलसीएम मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। अब चलिए मैं आपको मिश्र भिन्न का जोड़ सिखाता हूं, उसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए आपका अगला सवाल है, मिश्र भिन्न का क्या है जोड़ है। यहाँ पर सवाल है 3 सही 5/8 धन 1 सही 7/4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो कैसे बदला जाता है वो सीखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या किया जाता है, ये जो 3 सही 5/8 लिखा हुआ है हम क्या करेंगे, 8 का गुणा हम क्या करते हैं तीन में करते हैं, तो जब हम 8 का गुणा तीन में करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना 24। अब 24 को हम क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं यानी अंश में, तो 24 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, उसको हम नीचे लिख लेंगे, बटे का चिन्ह लगा लेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। उसी तरह से 1 सही 7/4 लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे 1 सही 7/4, तो हम 4 का गुणा क्या करेंगे एक में करेंगे, तो 4 का गुणा एक में करेंगे, 4 एक के कितना होगा 4 ही होगा, जो 4 आया इसको हम क्या करते हैं अंश में जोड़ते हैं प्लस करते हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे 8 है, तो यहाँ पर नीचे 8 लिख लेंगे, इसके नीचे वाला हर कितना था 4 था, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए आपका क्या है, 29/8 धन 11/4 है साधारण भिन्न का जोड़ है। जैसे अभी मैं आपको दूसरा प्रश्न बताया, तो इसमें चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो आप एलसीएम विधि के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या हैं बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, तो हम क्या करेंगे हर का एलसीएम लिया जाता है, तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
आपका देखिए इसे निकाल कर मैं बता देता हूं, वैसे आपका 8 हो जाएगा। तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर 8 है तो 8 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए छोटी संख्या से आप इसमें भाग देंगे तो यहां पर आप 2 से भाग देंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फिर इसे हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 एक के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वहां पर 1 है। तो आपको किसकी जरूरत होती है, सिर्फ इन्हीं की आपको जरूरत होती है। तो यहां पर 2 है तो 2 लिखते हैं, फिर 2 है तो गुड़े का 2 लिखते हैं, फिर 2 है तो यहां पर गुड़े 2 लिखते हैं। तो 2 गुड़े 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी एलसीएम आपका कितना निकल कर आया है 8 आया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, यहां पर एलसीएम कितना निकल कर आया है, एलसीएम हमारा 8 निकल कर आया है। अब इन सब चीजों को मैं क्या करता हूं रफ कर देता हूं। अब देखिए जब आपका एलसीएम 8 निकल कर आया है तो यहां पर आपको मैंने क्या बताया था, एक बटे का इस तरह से चिन्ह लाएंगे और ये जो 8 है इसको नीचे लिख देंगे। अब यहां पर देखिए इसका हर पहले से 8 है तो 29/8 इसका हर पहले से 8 था तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको क्या 29 लिख देना है ऊपर वाला चीज था। अब यहां पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लाएंगे। अब यहां पर देखिए मैं क्यों डायरेक्ट 29 लिख दिया इस चीज को समझिए, अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ते इसको तो 8 एक के कितना होता 8 होता एक बार में करता, तो इसी एक जब जो एक बार में करता तो एक का गुणा हम 29 में करते तो 29 ही ना होता। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 8 नहीं आता, तो 4 दूना कितना होता है 8 होता है, दो बार में कट रहा है तो 11 का गुण इसमें हम गुणा कर देंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना 22। अब हम क्या करेंगे 29 और 22 को जोड़ेंगे तो 29 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर 9 में 2 जोड़ देंगे, 9 2 कितना होता है 11 होता है, हासिल आपका कितना बचा 1। इसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 1 आपका 5 हो जाएगा यानी 51। नीचे क्या है 8 है तो 51/8 यही फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ हम इस तरह से सॉल्व करते हैं मिश्र भिन्न के अगर प्रश्न दिए गए हों तो। जितने भी टाइप के मिश्र भिन्न के प्रश्न इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप इसको लगाना सीख गए होंगे तो आप आसानी से उससे प्रश्नों को भी लगा पाएंगे। अब देखिए मिश्र भिन्न में क्या एक प्रश्न इस तरह से भी पूछता है, जरा उसको भी आप लोग ध्यान से सीख लीजिए, कैसे उसको मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए इस तरह से भी प्रश्न देगा, जैसे यहां पर देखिए 3 सही 4/7 धन आपका 5 सही 6/7 दे देगा। अभी मैंने आपको जो बताया था उसका हर मिश्र भिन्न वाले का बराबर नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है आपका हर जो है बराबर है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इसका इसमें गुणा करना है और फिर इसके बाद जोड़ देना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लगाइएगा क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं ये प्रश्न काफी इजी प्रश्न है, क्योंकि जब आपका हर बराबर होता है तो इसे हम सिर्फ साधारण भिन्न में इसे बदलेंगे, ऑटोमेटिक हर बराबर रहेगा तो अंश को हम जोड़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे उस नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।